या इन दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ, बेसिकली सिविल डिफेंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। रिसेंटली जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल को देख चुके हैं, रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ कुछ अपडेट्स आए उनसे पहले 4 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है, 4 अक्टूबर को, पर कल ये वीडियो अपलोड होगी यानी 5 तारीख को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में हैप्पी दशहरा टू ऑल, राइट। सो अब बात करते हैं मेन टॉपिक, मेन अपनी वीडियो से रिलेटेड। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिविल डिफेंस में कुछ रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंगली रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ रिसेंटली जो भी वॉलेंटियर ऑलरेडी सिविल डिफेंस में ज्वाइन है, जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, राइट, इस काफ़ी सारे ऐसे वॉलेंटियर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आज के टाइम में हर कोई जानता है कि सिविल डिफेंस में नंबर्स ऑफ वॉलेंटियर्स की जो क्वान्टिटी है, वॉलेंटियर इतने हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ना उनको ड्यूटी मिल रही है, ना उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ना उनके पास अवेयरनेस है। बस उनको अगर एक तरह से बात करता हूँ, अननोन बंदे के थ्रू कोई भी उन्हें से मिल के ये कह देता है कि मैं तेरी ड्यूटी लगवा दूँगा, मैं पर कुछ पैसे लूँगा, राइट। शॉर्ट एंड क्लियर बात करेंगे आज की वीडियो में। ये बात सब जानते हो ऑलमोस्ट कि सिविल डिफेंस में आज के टाइम में ड्यूटी अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम की अगर बात करता हूँ तो 2019 में मार्शल की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। अगर वैकेंसी आई है तो या तो होल्ड कर दी गई है या फिर कैंसिल कर दी गई है। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न रहे हैं, और मेन रीज़न की अगर मैं बात करता हूँ तो मेन रीज़न उसका यही रहा है कि सिविल डिफेंस में आज के टाइम पे मेजरली, जो कि इसके नाम से डिफाइन है, जो दिल्ली के वॉलेंटियर्स को इसमें लिया जाता है, जो कि यहाँ के निवासी जो यहाँ पर रहते हैं, पर बाहर के जो बंदे आए हुए हैं, बाहर के जो जैसे यूपी हरियाणा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, बिहार हो जाता है, वहाँ के काफ़ी सारे जो बंदे हैं वहाँ यहाँ पे आके ज्वाइन हो रखे हैं सिविल डिफेंस में। और उनकी आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक्चुअली में जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको आज के टाइम में ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, ना इस चीज़ की अवेयरनेस हो पा रही है। साथ ही साथ अगर बात करता हूँ, काफ़ी जगह आपने ध्यान दिया होगा कहीं पर 4 फुट के बंदे लगे हुए, कहीं पर 6 फुट के बंदे लगे हुए, कोई प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर अभी तक इसमें नहीं दिया गया है। क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली सिविल डिफेंस अगर मैं बात करता हूँ, सबको पता है कि निष्काम ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। रिसेंटली कुछ अपडेट्स किए गए हैं ताकि जो भी वॉलेंटियर इसमें अपनी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को हेल्प कर पाएँ, उस वजह से इसमें करेंटली में कुछ ड्यूटीज़ प्रोवाइड की जाती है। पर आज के टाइम में उसको गलत यूज़ किया जाता है, गलत यूज़ इन द सेंस अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से अगर वहाँ पे अगर आपने सिर्फ रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये डायरेक्टली आपसे बोला जाता है कि 10 हज़ार या 15 हज़ार रुपये आपके रिन्यूअल के लगेंगे, चाहे आपने मस्टिंग की हो चाहे ना की हो। सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर सबको पता है मेरे काम पैसे दे के हो जाना है, कोई भी वॉलेंटियर इसमें एक्टिव क्यों रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ, रिन्यूअल का प्रोसीजर चेंज कर दिया गया, पहले ऑफलाइन था, अब उसमें ऑनलाइन मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। मेल प्रोवाइड कर दी गई है, एक PDF फॉर्म दी गई है, उसमें आपको सारी डिटेल फिलअप करके ऑनलाइन के थ्रू अपनी मीन्स सारे आपको PDF बनानी है, अपने उसमें स्टैम्प लगवानी है, साइन करवा के जो सबमिट का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, राइट। उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल मैं आपके लिए बता दूँ कि इस वक्त दिल्ली सिविल डिफेंस में ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया है। 46 मार्शल ऑलरेडी, जो कि 46 जो परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे, जिनमें से अगर मेन बात करता हूँ DTC के जो काफ़ी सारे मार्शल्स हैं उनको नो ड्यूटी कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। बेसिकली अगर डायरेक्टली अगर हम बात करता हूँ, उनकी लिस्ट भी मैं काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कोई भी अगर ऐसा सोचता है, पहले जो उसमें ज्वाइन हो चुके हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, पर अब इसमें आप ज्वाइन करते हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन होइए, पर एज अ फ्यूचर आप इसे प्लीज़ मत देखिएगा। आप सोचोगे कि हाँ भाई ये बंदा ड्यूटी कर रहा है, काफ़ी आसान ड्यूटी होती है, कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते। धीरे धीरे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, नए ऑर्डर आ रहे हैं। जो आज के टाइम में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुके हैं, काफ़ी सारे अगर बात करता हूँ एलिगेशन इस पर लग चुके हैं। सो एलिगेशन को इम्प्रूवमेंट होना डेली बेसिस किया जा रहा है, जो हायर अथॉरिटीज़ है इसके ऊपर होना डेली बेसिस एक्शन ले रहे हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। और इम्प्रूवमेंट का सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक डंडा नहीं चलता किसी चीज़ में सुधार नहीं आता। सो वो चीज़ अब यहाँ पे होने लग रही है। सो इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई भी पैसे को डिमांड करता है बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, देते हैं सो आपका रिस्क है, काम होने वाला नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट
आपका नाम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 साल के बिटवीन में कोई भी जो वैकेंसी आई है वो होल्ड कर दी गई है। मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ विद ऑर्डर आपको शो कर चुका हूँ, पर स्टिल जो वैकेंसी है वो होल्ड की हुई है। रीज़न इसके पीछे यही है कि करप्शन और एलिगेशन इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि उसमें प्रोसीजर में चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि जो अब वॉलेंटियर्स इसमें ज्वाइन करें उसके साथ जो अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन बन रही है वो ना बने, कोई भी एलिगेशन ना उठा सके। सो इस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे थे कि इस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी कब आएगी, इस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी कब आएगी, क्या प्रोसीजर है, मार्शल का कैसे होगा। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी प्रॉब्लम मैं कल या परसों तक आपके लिए अपलोड कर दूँगा, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा किस वजह से किसके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं आ रही है, साथ ही साथ किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आ चुकी है, कब तक ऑलमोस्ट वो स्टार्ट हो जाएगी, क्या कितने नंबर में वैकेंसी आई हुई है, एंड साथ ही साथ कहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी, लोकेशन आपको कहाँ पर मिलने वाली है, उसके बारे में अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो वंस अगेन हैप्पी दशहरा, अभी के लिए गुड बाय। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नए अपडेट के साथ, अभी के लिए गुड बाय।